पाखी बेटा, आई। पाखी बेटा कैसी हो? अरे वैशाली जी, आप अचानक? नमस्ते। अचानक नहीं बड़ी मामी, वो मैंने आई को बुलाया था मुझे ले जाने के लिए। वो मैं कुछ दिनों के लिए अपने आई बाबा के साथ रहने जाने वाली हूँ। मैं जिंदा जरूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर अब कोई जिंदगी बाकी नहीं रही। बस पत्र लिखा, ऐसी बातें मत कर, बोले ऐसी बातें, प्लीज मत रोइए। खबरदार, अगर ऐसी बात बोले तो मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरी जितनी हिम्मत किसी में नहीं है, तो हारने वालों में से नहीं है। इसलिए आइंदा मैं ऐसी बात तेरे मुंह से नहीं सुनना चाहती। तो इतनी पढ़ी लिखी है, हर चीज की तुझे समझ है, और तू ऐसे बोलेगी तो कैसे चलेगा? मानती हूँ कि इस घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझे नीचा दिखाते हैं, तुझसे बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। पत्रलेखा, मैं तेरे बिना अपनी आगे की जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं तुझे नहीं देखती हूं ना, तो बेचैन हो जाती हूं। बड़ी मामी, चाहो तो पूछो निदान से, मैं कितनी परेशान थी। तू सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, वही नहीं तो बिल्कुल घबरा गई थी। ये सब क्या हो गया? मेरा सम्राट। मानसी शांत हो जा, सम्राट को कुछ नहीं होगा। नहीं मानसी, शांत हो जा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। देखना, हमारा सम्राट बहुत जल्द वापस आ जाएगा। पता नहीं सम्राट अब कभी वापस आएगा कि नहीं। ऐसी बातें मत करिए, हमें उम्मीद हारनी नहीं चाहिए। उम्मीद रखने के अलावा कुछ और क्या कर सकते हैं हम? एक साल होने को आया है, पर पाखी ने हिम्मत नहीं हारी, आगे भी नहीं हारेगी। लेकिन कल जब फोन पे बात हुई इससे, तो ये इतनी परेशान लग रही थी ना, जैसे इंतजार अब इसकी हिम्मत से बाहर है। भवानी जी, इसलिए हमने सोचा कि अपने घर जाएगी थोड़े दिन, तो अच्छा लगेगा इसे। हम तो पत्रलेखा के साथ ही हैं। अगर इसे आपके घर में रहकर कुछ दिनों के लिए अच्छा लगेगा तो क्यों नहीं? लेकिन कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि मैं हमेशा के लिए अपने आई बाबा के घर लौटना चाहती हूँ। वैसे भी मैं कई दिनों से कह रही थी कि मुझसे अब यहाँ पर ज़्यादा रुका नहीं जा रहा, लेकिन अब मैंने अपना पक्का फैसला बना लिया है। पत्र लिखा बेटे, माना कि तुम काफी दिनों से ये बात कर रही थी, लेकिन हमें लगा कि तुम बस उदास हो इसलिए ऐसा कह रही हो। इनाइया पत्र लिखा, तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, तुम इस घर की बहू हो। हाँ सोनाली मामी, मैं हूँ इस घर की बहू, लेकिन इस घर का बेटा मेरा पति कहाँ है? पूरे एक साल हो गए उसे यहाँ से गए हुए, और मैं अभी भी उसके इंतजार में यहाँ पड़ी हुई हूँ। और इस एक साल में मेरी बेटी ने बहुत कुछ बर्दाश्त की है। शादी के मामले में बदकिस्मत रही है, लेकिन ये बदनसीबी का दर्द लेके पूरी जिंदगी जी तो नहीं सकती ना भवानी जी। अब एक साल में कोई खबर नहीं आई सम्राट की, अब तो लगने लगा है कि वो वापस आएगा यहाँ। वैष्णव जी प्लीज, ऐसी अशुभ बात मत कीजिए। भवानी जी, मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ,
मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे दामाद को कोई भी आ जाए। लेकिन इस दर्द के साथ अपनी बेटी को जीते हुए देख भी तो नहीं सकती ना। हम ऐसे उम्मीद का दामन थाम कर कब तक ऐसे इंतजार करते रहे, आप बताइए। कभी वापस नहीं आने वाला है, कभी वापस नहीं आने वाला। इस घर में मैंने बहुत कुछ सहा है, बद से बदतर हो गई मेरी जिंदगी। आई एम अ लूजर, आई एम अ गॉड डैम लूजर। ना बेटा, ऐसे नहीं बोलते। और वैसे भी मेरी बहादुर बेटी लूजर कैसे हो गई? बेटा, अभी भी तुम्हारे पास मौका है अपने बारे में सोचने का, अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करने का। इस रिश्ते को ना यहीं छोड़ दे और एक नई उड़ान भर। हाय, मैं कब तक अपनी खुशियों से पहले ये सोचती रहूंगी कि घर वाले क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। आई, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। शायद पत्रलेखा ठीक कह रही है, मैं तो अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे का इंतजार कर सकती हूँ। पर पत्रलेखा से भी ये उम्मीद रखना गलत बात है ना। अगर वो अपने आप जीना चाहती है, नई राह अपनाना चाहती है, तो उसको रोकना गलत है। और वैसे भी कितने दिनों से वो बोल रही है कि अब और इस घर में वो नहीं रह सकती। अगर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है तो कर सकती है, हम नहीं रोकेंगे। बस पापा से प्रार्थना करूंगी कि जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। पत्र लिखा, मेरा बस चले तो मैं तुझे कभी ना जाने दूं। लेकिन अब तूने जाने का फैसला कर ही लिया है तो एक बात याद रखना, तू इस घर की सबसे फेवरेट बहू है और हमेशा रहेगी। तू बहुत किस्मत वाली है बेटा, जो इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है तुझे। आर यू श्योर तूने फैसला ले लिया कि तू यहां से जाएगी? हाँ। पत्र लिखा, तेरे इस फैसले में हम सब तेरे साथ हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है, कुछ दिन और रुक जा। तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जैसे तू इस घर में आई थी तुझे वैसे ही विदा कर। बड़ी मामी, तब तक तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, यहां से तू बिल्कुल ठीक होकर चली जाना। कुछ ही दिन में एकादशी है, तो एकादशी की पूजा करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। अपनी बड़ी मामी की इतनी सी बात नहीं मानेगी। हो पत्रलेखा, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ ना, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, तुम भी हमारा मन रख लो। मैं पूरे एक साल से इस घर में रह रही हूं, थोड़े दिन और रुक जाऊंगी तो कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना। ठीक है बड़ी मामी, आप इतना प्यार से कह रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
मैं इस घर में रुक जाती हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं चलती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबका प्यार मेरी बेटी के लिए देख के। बाकी बेटा बस एक बात ना हमेशा याद रखना कि तुम्हारे एक और घर है जहां तुम कभी भी आ सकती हो। तुमने गमला क्यों तोड़ दिया? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। मेरे बर्थडे वाले दिन उन सबको वो बेकार सी फिल्म देखना थी तो आपने उन्हें यहाँ लाकर छोड़ दिया। लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना था तो आप मुझे क्रिकेट ग्राउंड नहीं लेके गए। अच्छा, तो इसलिए तुमने ये गमला तोड़ दिया? तो क्या हो गया, वैसे भी ये गमला तो मैं ही लाया था ना। अगर मैंने इसे तोड़ भी दिया तो क्या हो गया? एक बात बताओ, तुम इस गमले को वापस जोड़ सकते हो? ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको इतना भी नहीं पता क्या, अगर एक मिट्टी से बनी चीज एक बार टूट जाती है तो वापस नहीं जुड़ती। विराट, रिश्ते भी ना मिट्टी के गमले की तरह ही होते हैं जो बड़ी मेहनत और प्यार से बनते हैं, लेकिन झूठ, फरेब और गुस्से की मार लगते ही टूट के बिखर जाते हैं। तुम और तुम्हारे दोस्त एक साथ रहते हैं परिवार के नाम पर, बस तुम लोग हो एक दूसरे के लिए। और मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। बेटा, गुस्से की मार की वजह से कभी अपने इस परिवार को बिखरने मत देना, समझला? और रहा सवाल तुम्हारे मैच का, तुम्हारा आज बर्थडे है यार, तुम्हें ऐसे कैसे नाराज कर सकता हूं? ए विराट, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तुम्हें सरप्राइज पसंद है ना? तो तुम जाओ अभी अपने दोस्तों को सॉरी बोलो और उनके साथ फिल्म देख। चलो 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 चलो। क्योंकि टूटे रिश्ते जोड़ भी दे तो उनमें पहले वाली बात नहीं रहती। दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।